देपालपुर क्षेत्र के ग्राम पाडलिया में मंगलवार से चल रही सूर्यवंशी गुजराती रविदास समाज द्वारा आयोजित भगवान श्री राम दरबार मंदिर की भव्य प्राण प्रतिष्ठा एवं 11 कुंडी यज्ञ की पूर्णाहुति शनिवार को मूर्ति और कलश स्थापना के साथ विधि विधान के साथ संपन्न हुई, जहां स्थापना से पहले गांव में श्री राम दरबार की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें समस्त भक्तगण ढोल और बैंड बाजों पर खूब थिरकते हुए दिखाई दिए। वहीं विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक विशाल पटेल भी पहुंचे। 11 कुंडी इस महायज्ञ में 40 जोड़ों ने प्रतिदिन यज्ञ कुंड में आहुतियाँ दी है। वहीं 5 दिनों तक चले इस महायज्ञ में यजमान जोड़ों ने विधि विधान से संपूर्ण विधि संपन्न की। शनिवार को मूर्ति और कलश स्थापना के साथ पूर्णाहुति हुई। स्थापना के पहले गांव में श्री राम दरबार की भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई, जिसमें समस्त समाज जैन भक्तगण खूब थिरके। शोभा यात्रा के पूरे गांव में विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा व्यक्तिगत रूप से हर गली मोहल्ले में भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक विशाल पटेल भी पहुंचे और यज्ञ कुंड की परिक्रमा कर आशीर्वाद लिया। यज्ञ और प्राण प्रतिष्ठा समारोह में 5 दिवसीय आयोजन के अंतिम दिन विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें समाज और गांव के हजारों भक्तों ने महाप्रसादी ग्रहण की। भंडारे का आयोजन विधायक विशाल पटेल की ओर से किया गया था। इस अवसर पर 21 गांव सहित क्षेत्र और गांव के समस्त सूर्यवंशी गुजराती रविदास समाज और भक्तजन उपस्थित थे। बेटमा से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।